और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रियंका भारती? हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका, अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मरद से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मरद ने सुना। शुरू कर निर्मल भारत अभियान। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें, जहां सोच वहां शौचालय। दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी। तो नहीं बेटे। दीदी, क्या बनाओगी? चने। थैंक यू, मैं जीत गई दादाजी। जीत नहीं था। दीदी आप नहीं, एमडी है। यही तो है एमडी, आज चला मसाले का कमाल। ओ जल जीरे की आई बहार, पियो जी जल वाले हैं। जल जीरा दही भल्ला पापड़ी को स्वादिष्ट बनाए, गर्मी से राहत दिलाए। चकदे फटे राहुल के बच्चे, फिर पेंसिल तोड़ी तो टांग तोड़ दूंगा। हाँ, और ये तुम्हारे दोस्तों के लिए टॉफी जो में है कॉफी और क्रीम की दोस्ती। राहुल ने मुझे नहीं पेंसिल दी। प्रिया गोल्ड टॉफी जो भी पके, ऐसा पके, जहाँ भी जो हो, खींचा चला आए। MDH मसाले, किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चटनी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH MDH। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस। नमस्कार, वंदे मातरम में आपका स्वागत है, मैं हूं मुकेश कुमार। जी हां, दिल्ली पर राज करना आसान नहीं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग एक बार फिर आमने सामने हैं। इससे पहले भी जल लोकपाल बिल को पेश करने के मामले में दोनों आमने सामने आ चुके हैं और नतीजा भी सबको पता है। आज हम चर्चा करेंगे, जब सब कुछ संविधान और कानून के मुताबिक ही होना है तो फिर ये जंग क्यों? केजरीवाल को कानून की जानकारी नहीं है या लेफ्टिनेंट गवर्नर कानून की व्याख्या अपने तरीके से कर रहे हैं? हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नोएडा स्टूडियो से मौजूद होंगे वरिष्ठ पत्रकार रॉय तपन भारती और नेता इलियास हुसैन, जो कि आपके फाउंडर मेंबर भी है। तो करते हैं वंदे मातरम की शुरुआत। फाइलों पर जंग, केजरीवाल और नजीब जंग में तकरार। बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल 1993 के मुताबिक दिल्ली सरकार मतलब उपराज्यपाल, एलजी हाउस ने दिलाई दिल्ली सरकार को याद। बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल एंड आर्टिकल 239 और आर्टिकल 239 एक ही याद दिलाई, क्या इससे नहीं प्रभावित होगा कामकाज? जी हाँ, तो करेंगे चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में है रॉय तपन भारती, वरिष्ठ पत्रकार। जी हाँ तपन साहब, सबसे पहला सवाल कि आखिर दिल्ली पर राज कौन करेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से उपराज्यपाल के साथ जो ये तनाव की एक शुरुआत की है, मुझे लगता है कि उनकी एक इसके पीछे कुछ राजनीतिक मकसद भी है, शायद इसीलिए वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल स्वयं एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर रहे हैं, शायद उन्होंने संविधान भी पढ़ा होगा, उसमें स्पष्ट व्याख्या जो अब तक दिल्ली सरकार के बारे में है कि तमाम जो फैसले हैं या विधानसभा में जो भी जाएगा कागजात, वो पहले एलजी को दिखाया जाएगा। इसमें संविधान के मुताबिक तीन विभाग ऐसे हैं जिसमें सीधे सीधे केंद्र सरकार को एलजी रिपोर्ट करेंगे, ना कि उसमें दिल्ली सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप होगा, दखल होगा। जैसे कि दिल्ली में जमीन का कोई मामला हो या पुलिस का मामला हो या
कानून व्यवस्था का मामला हो, इन तीनों मामलों में इन तीनों मामलों में मुकेश जी टकराव की शुरुआत हो रही है। बिल्कुल, एक चीज जब मैंने पूछा आपसे तपन साहब की बॉस कौन होगा यहाँ पर, चूंकि दिल्ली है, दिल्ली में प्रधानमंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी है, और इसके अलावा तीन तीन मेयर भी हैं, तो और एक छोटी सी दिल्ली है, 70 विधानसभा और 7 लोकसभा सीटें, कौन राज, सब कोई राज करना चाहता है, हालांकि कानून बने हुए, सबकी व्याख्या अलग अलग है, सबके अधिकार दिए हुए हैं, सबको अधिकारों के बारे में पता भी है, लेकिन क्या वजह है कि आखिर सब एक दूसरे के अधिकार में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं और तब ये जाकर के मामला आता है। खासतौर पर कभी भी जो मेयर है, मेयर के साथ मुख्यमंत्री का इससे पहले कभी नहीं देखा गया, इससे पहले हालांकि जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो एक बार कुछ मामले जरूर आए थे, लेकिन केजरीवाल की सरकार पिछली बार भी थी 49 दिनों, तो उस समय भी कुछ इस तरीके के मामले आए थे जब गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री आमने सामने हुए थे, और इस बार फिर से आमने सामने हैं। क्या लगता है दिल्ली पर राज करने की जंग छिड़ी हुई है? बड़ा अच्छा सवाल आपने मुकेश जी उठाया है। दरअसल में दुनिया में ऐसे बहुत कम राष्ट्रीय राजधानी होंगे जहां पर कई सत्ता एक साथ टकरा रही है। आपने खुद ही कहा है कि यहाँ तीन तीन मेयर हैं, मेयर के अलावा भी दिल्ली छावनी के भी अलग उसके हेड हुआ करते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी टकराहट की बात है कि दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार है, आखिर बात किसकी मानी जाए? क्या न्यूयॉर्क की स्टाइल में दिल्ली का शासन नहीं हो सकता है? न्यूयॉर्क या बाकी कई मुल्कों में ऐसा है कि वहाँ मेयर जो होता है हेल्थ विभाग से लेकर पुलिस से लेकर सभी विभागों का वो हेड होता है, फायर ब्रिगेड भी उसी के अंदर में आता है। तो हमारे देश में कुछ व्यवस्था कुछ राजनीतिक कारणों से इस तरह बनती चली गई। दिल्ली को लेकर तमाम मांगे इस तरह से उठी कि मुख्यमंत्री का एक पद का सृजन करना पड़ा, विधानसभा का सृजन हुआ, और कुल मिलाकर समानांतर व्यवस्था यहां दिखी। बिल्कुल, बहरहाल जो संविधान की जो व्याख्या है उसके तहत एलजी राष्ट्रपति को रिपोर्ट करने के लिए बाध्य है, बिल्कुल, और अंतिम निर्णय एलजी का ही फिलहाल माना जाएगा, और एलजी के निर्णय को चुनौती देना है तो केजरीवाल जी को राष्ट्रपति के पास जाना पड़ेगा और कोर्ट पे जाना पड़ेगा। फिलहाल हमारे साथ जो मुजफ्फर हुसैन गजाली, जो आप नेता है, वो भी जुड़ गए हमारे साथ। गजाली साहब, स्वागत है आपका हमारे वंदे मातरम कार्यक्रम में। धन्यवाद गजाली साहब, आपसे हम बात करेंगे, लेकिन हम पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के जरिए हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, क्यों फिर से अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट जनरल नजीब जंग आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग में फिर एक बार जंग छिड़ गई। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग की तरफ से मीडिया को भेजी गई प्रेस रिलीज में एक खबर का हवाला देकर कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने अफसरों को फाइलें उपराज्यपाल को न भेजने के निर्देश दिए थे। इसे लेकर एलजी नजीब जंग ने दिल्ली के अफसरों को दिया गया ये निर्देश वापस लेने को कहा है। दरअसल 29 अप्रैल को दिल्ली सरकार की तरफ से सभी अफसरों को एक आदेश दिया गया था, जिसमें कानून की एक धारा का हवाला देकर कहा गया था कि केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल को हर फाइल नहीं भेजी जाती, जबकि दिल्ली में हर फाइल का बोझ उपराज्यपाल पर लगातार डाला जा रहा है। इसलिए जल्द निर्णय लेने के लिए सारी फाइलें उपराज्यपाल को परेशान किए बिना सीएम कार्यालय तक भेजी जाए। इसे लेकर बीजेपी सीएम केजरीवाल पर हमले कर रही है। सवाल टकराव नहीं है सर, सवाल गुड गवर्नेंस का है, सवाल एडमिनिस्ट्रेशन का है, सवाल कॉन्स्टिट्यूशन का है, सवाल रूल एंड रेगुलेशंस का है। जो ले डाउन प्रिंसिपल्स हैं उसको आप वॉलेट कैसे करेंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर अफसर मुखिया हैं, मैं किसी की एडवोकेसी नहीं कर रहा हूँ। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को इससे जुड़े कानून के बारे में भी बताया है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में सीएम और मंत्रिमंडल का काम उपराज्यपाल की सहायता करना और सलाह देना है, जिस पर उपराज्यपाल अपने विवेक से कदम उठा सकते हैं। ऐसे मामले जिन पर विधानसभा में कानून बन सके उनके फाइलें उपराज्यपाल के पास अंतिम मंजूरी के लिए जरूर आनी चाहिए। उपराज्यपाल ने अफसरों को संविधान का पालन करने के लिए कहा है।
पूरी तरह से ट्रस्ट डेफिसिट का मामला है। अब जितनी भी सारी फाइलें हैं, दिल्ली आप जानते हैं पूर्ण स्टेट नहीं है, उसे स्टेटहुड का दर्जा नहीं है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल वहाँ पे बहुत सीरियस है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल एक है। तो अगर फाइल्स को लेकर विवाद है तो आप बताइए दिल्ली का कामकाज कैसे चलेगा। तो हर चीज में लेकर जितनी भी सेंट्रल अथॉरिटीज हैं, क्योंकि इस तरह का हिसाब किताब रहा है दिल्ली का, अगर हर बात में अरविंद केजरीवाल तकरार की स्थिति पैदा करते रहेंगे तो वो तकरार सरकार ही बन जाएगी। दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार मानती है कि दिल्ली में भूमि कानून व्यवस्था और पुलिस के मुद्दे को छोड़कर सारे अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है और समय समय पर केंद्र सरकार के आदेशों में ये बात सामने आती रही है। इसलिए दिल्ली की आप सरकार अपने अधिकारों के लिए आगे भी लड़ाई जारी रखेगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस निर्णय के बारे में उपराज्यपाल को लिख दिया है, लेकिन उपराज्यपाल की तरफ से भेजी गई रिलीज में एक खबर को आधार बनाकर निर्देश जारी किए हैं। कुमार मयंक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो ये मामला आप लोगों ने इस रिपोर्ट में देखा और जिस तरीके से ये मामला बताया जा रहा है कि इससे पहले भी हुए हैं और लगातार, हालांकि निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए अथॉरिटी के पास ऊपर जाना पड़ता है। हम बात करेंगे, आपके नेता हमारे साथ हैं मुजफ्फर हुसैन गजाली साहब। गजाली साहब बताएं, जिस तरीके से एक बार फिर आपके नेता आमने सामने हैं, फिर से जंग छिड़ गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, क्या कहेंगे? ये जंग जानबूझकर के शुरू किया गया या कानून की जानकारी नहीं है, किधर से क्या लगता है आपको? या एलजी खुद से अपनी तरीके से व्याख्या कर रहे हैं कानून की, जिसकी वजह से ये जो मुश्किलें हैं वो सामने आ रही हैं, टकराहट हो रही हैं? देखिए, जो देश का संविधान है वो सर्वोपरि है और उससे कोई भी वायलेशन नहीं कर सकता है। ये बात अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अच्छी तरह जानती है। बिल्कुल, देखिए जो आपको रोकना चाहेंगे संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष जी, स्वागत है आपका हमारे वंदे मातरम प्रोग्राम में। सुभाष जी, जिस तरीके से ये मामला आया है, आपके संज्ञान में भी होगा, आप भी देख रहे होंगे, आपको क्या लगता है यहाँ कानून की जानकारी नहीं है या जानबूझकर अपने अपने तरीके से कानून की व्याख्या की जा रही है? संविधान में जो स्थिति है मैं बता सकता हूँ। संविधान के अनुसार दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी बाय डेफिनेशन यूनियन एडमिनिस्टर टेरिटरी है। प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर चेक करता है थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर और दिल्ली में उस एडमिनिस्ट्रेटर का नाम लेफ्टिनेंट गवर्नर रखा गया है। आर्टिकल 239A में और दिल्ली का जो एनसीटी एक्ट है उसमें एक असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रावधान किया गया है, लेकिन उनकी शक्तियां और अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित है और दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो दिल्ली का जो बॉस है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बगैर यहाँ का कोई कानून नहीं बन सकता। और किसी भी मामले में अगर पार्लियामेंट कानून बनाए स्टेट लिस्ट को तो वो प्रिवेल करता है, दिल्ली असेंबली का प्रिवेल नहीं करता है। तो ये टकराव की स्थिति का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर से और चीफ मिनिस्टर से टकराव की स्थिति कोई होनी नहीं चाहिए, संवैधानिक नहीं है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के बगैर कुछ काम करते हैं तो गलत है। कश्यप साहब, मैं स्टूडियो से तपन भारती बोल रहा हूँ। ये अफसरों के सामने दुविधा है कि वो मुख्यमंत्री की बात माने या लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात माने, संविधान की बात माने। संविधान के अनुसार लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करता है और प्रेसिडेंट की एडमिनिस्ट्रेटर टेरिटरी है दिल्ली, तो उसमें कोई दुविधा का प्रश्न ही नहीं उठता। कश्यप जी, जैसा कि है कि दोनों के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर आमने सामने हैं और ऐसा पहले भी हुआ है, एक चीज दर्शक जानना चाह रही है कि सीएम के अधिकार क्या है? क्या कोई एक विभाजक रेखा है जहां से आगे सीएम नहीं जा सकते, वहां के बाद जो है उसके पीछे ही उनको रहना है, उसके बाद के अधिकार जो है वो सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है? देखिए, चीफ मिनिस्टर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के मिनिस्टर है। दिल्ली की सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार है, वो प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करता है दिल्ली को
और प्रेसिडेंट को लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर को एडवाइस करने के लिए ये मिनिस्टर्स हैं, तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के परामर्शदाता हैं। बिल्कुल, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ खड़े होने का सवाल ही नहीं उठता है। आखिर ये झगड़ा यदि बढ़ता है कश्यप साहब, तो इस जो एक्ट है जो बना हुआ है, जो जिसे गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एक्ट कहते हैं, तो इस अंततः फैसला किसके हाथ में जाएगा? राष्ट्रपति के पास? हाँ, राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति को रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। जी, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो हुक्म है वो मानना होगा सिर्फ अफसरों को। तो अरविंद केजरीवाल को कोई अपील करनी है तो उन्हें राष्ट्रपति से अपील करनी पड़ेगी। जी, अरविंद केजरीवाल को एनसीटी से कोई उम्मीदें हैं? देखिए, मैं किसी व्यक्ति का, व्यक्तियों का सवाल नहीं है केजरीवाल या जिनका सवाल नहीं है, सवाल है लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के जो चुने हुए मंत्री हैं। जी, तो जो चुने हुए मंत्री हैं, जो कि जनता ने चुना है, वो सम्मान के अधिकारी हैं, लेकिन वो कंफ्लिक्ट की सिचुएशन में या कन्फ्रंटेशन की सिचुएशन में काम नहीं कर सकते। उनकी संवैधानिक सीमाएं हैं, उन सीमाओं के अंदर रहकर उन्हें काम करना है और उन सीमाओं के अंदर उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर रहकर काम करना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर से संघर्ष करने का सवाल नहीं उठना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ा अंतर है, दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी का मतलब है सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट टेरिटरी। दिल्ली में सेंटर का राज चलता है। ये एज ए पॉलिटिकल कंसेशन असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाई गई है जो सेंटर को हेल्प करने के लिए है और उनके अधिकार सीमित हैं, कुछ मामलों में कोई अधिकार नहीं है। और जो स्टेट लिस्ट है, राज्यों में एक अलग स्टेट लिस्ट है, एक आपको मालूम है कॉन्करेंट लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है। स्टेट लिस्ट में यूनियन पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती, लेकिन दिल्ली के मामले में पार्लियामेंट लॉ बना सकती है और पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, असेंबली का नहीं करेगा अगर कंफ्लिक्ट हो। और किन्हीं भी मामलों में जिनमें दिल्ली असेंबली रूल बनाती, तो लॉ बनाती है, वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी के बगैर लॉ नहीं बनता। ये यहाँ तो की बात समझने की यह है कि दिल्ली सेंट्रल नहीं है, सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से ही यहाँ काम होगा, यहाँ स्टेट लिस्ट या कंक्रेंट लिस्ट वाला ही। जो स्टेट लिस्ट है उस पर भी पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है। बिल्कुल, यानी सुपीरियर है भारतीय, भारत की संसद दिल्ली सरकार से सुपीरियर है, ये तो क्लियर। नहीं, सुपीरियर इंफीरियर का सवाल नहीं है, डिवीजन ऑफ पावर्स है। स्टेट्स को कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं और कुछ यूनियन के पास है, कुछ कॉन्करेंट है, लेकिन दिल्ली पर वो अप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि दिल्ली स्टेट नहीं है। इसलिए स्टेट लिस्ट पर भी पार्लियामेंट को पावर है कानून बनाने की। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सुभाष कश्यप साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मुझे लगता है जो हमारे साथ जो गेस्ट हैं आपके, मुजफ्फर हुसैन गजाली साहब आपके नेता हैं, वो भी सुभाष कश्यप साहब को सुन रहे होंगे। जी गजाली साहब, आपसे सवाल है कि जिस तरीके से बता रहे थे सुभाष कश्यप जी कि मुख्यमंत्री के पास कोई ज्यादा अधिकार नहीं है और जो सुप्रीम बॉस है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होते हैं और मुख्यमंत्री को की बाध्यता है कि वो उनकी बात माने, फिर आखिर कानून के खिलाफ क्यों जा रहे हैं केजरीवाल? देखिए, मैं आपसे ये पहले भी कह रहा था कि संविधान सर्वोपरि है और अभी मनीष जी का वक्तव्य आ चुका है कि हमारे और माननीय उपराज्यपाल के बीच में कोई भी टकराव की स्थिति नहीं है, बल्कि आपके कहने से तो हम नहीं मान लेंगे ना टकराव की स्थिति नहीं। आपने बकायदा पत्र लिख करके अधिकारियों को ये निर्देश दिया था, पत्र सबके सामने है, तो ये कैसे कह मान लें कि आपके बीच में कोई ये नहीं है? आपके और वो स्पीडी काम करने की वजह से उन्होंने ये आदेश पारित किया है उपराज्यपाल ने। और जहां तक सवाल आता है टकराव की स्थिति का, तो ये बात बिल्कुल वाजह है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उपराज्यपाल की मार्फत स्टेट गवर्नमेंट पे नकेल कर सकती है और वो उसके कामों में बाधाएं पैदा कर सकती है। यही नजीब जंग साहब कर रहे हैं, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को काम करने में कहीं कहीं दिक्कतें आ रही है। मतलब ये माना जाए कि नजीब जंग जो है वो एक तरीके से राजनीति कर रहे हैं और केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है, कहना चाह रहे हैं आप? वो तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं,
तो उनको तो केंद्र सरकार के अधीन ही काम करना है, इसीलिए वो अपने इख्तियारात का अपने तरीके से व्याख्या भी कर सकते हैं। तो यही दिक्कत दिल्ली में हमेशा आती रही है और इसको जब जब चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट वो दिल्ली गवर्नमेंट को परेशान करने के रास्ते अपनाती है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल दखाली साहब, दखाली साहब आपको रोकेंगे। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री जगदीश मुखी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, पांच बार के विधायक हैं और काफी वरिष्ठ नेता और हरियाणा के प्रभारी भी हैं। जगदीश मुखी जी स्वागत है वंदे मातरम में। नमस्कार जी। जगदीश मुखी साहब, जिस तरीके से इससे पहले जन लोकपाल बिल के मामले पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर आमने सामने आए थे और 49 दिनों के बाद जो है अरविंद केजरीवाल को अपनी सीट, अपनी जो कुर्सी है वो छोड़नी पड़ी थी या छोड़ के चले गए थे, वो फिर से उसी तरीके का मामला आ रहा है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फिर से तकनीकी रूप से देखें तो वही मामला है, वो दोनों में टकराहट की जो इस बार जो स्थिति आई है, कानून वही है, नियम वही है, फिर भी दोनों आदमी एक दूसरे के आमने सामने हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने राइट फ्रॉम 67 अपना मैनिफेस्टो के अंदर ये रखा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। वो इसलिए रखा है कि हम इस अच्छी तरह से जानते हैं आज भी दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और एज पर लॉ दिल्ली गवर्नमेंट मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, ये शब्द लिखे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है दैट इज टू गिव द एड एंड एडवाइस टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो मेरा ये कहना है कि जो रिजर्व मैटर्स हैं, जैसे लैंड एंड लैंड के मामले हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मामले हैं, बिल्कुल, या सर्विसेज के मामले हैं, वो तो डायरेक्टली आते ही है एलजी के कंट्रोल में, तो कहीं जा नहीं सकते। किंतु बाकी मामलों के अंदर भी जितने पॉलिसी डिसीजन मेकिंग है उनकी फाइनल अप्रूवल एलजी से होती है, ये हम जानते हैं, हमने शासन में रहे हैं तो हमने महसूस किया और तब भी हमने मांग रखी थी। आज भी हमारी ये मांग है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। मतलब मुखी साहब, मतलब जब तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता है तब तक एलजी ही राज करेंगे, मुख्यमंत्री यहाँ कहें जो एक सिंबॉलिक ही रहेंगे, उनके हाथ में कोई अधिकार नहीं होगा। नहीं, ये आपका इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहा है। मैंने ये कहा है पावर्स हैं चीफ मिनिस्टर के पास है, मिनिस्ट्री कैबिनेट के पास है, सारे डिसीजन उन्हीं के इंप्लीमेंट होते हैं। यानी मैं ये कह रहा हूं कि वो एक लॉ बनाना चाहते हैं, अपनी इच्छा से कानून बना के ला के पेश कर देंगे विधानसभा के अंदर, नहीं है उन्हीं की चलेगी, किंतु दैट हैज टू गेट द फाइनल अप्रूवल फ्रॉम लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। इसका मतलब ये नहीं शासन वो चला रहे हैं। तो अभी जो मामला आया है कि फाइलें पहले अरविंद केजरीवाल के पास आनी चाहिए, जो अधिकारियों को जो निर्देश दिए गए हैं, तो यह क्या कानून की जानकारी नहीं थी केजरीवाल को इसलिए दिया गया है या केवल विवाद खड़ा करने के लिए? केजरीवाल को कानून की जानकारी नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, उन्हें पूरी जानकारी है, किंतु जानबूझ के वो करते हैं ऐसा, उनकी फितरत में है। वो किसी ना किसी ढंग से, जैसे आप एकदम चौकन्ने हो गए ना सारे मीडिया वाले, उन्हें मीडिया के अंदर बने रहने की महारत हासिल है, कुछ ना कुछ ऐसा करना है उन्होंने। दिल्ली के लिए तो कुछ कर नहीं रहे, दिल्ली के लिए तो कुछ कर नहीं रहे, सारा विकास का एजेंडा उनके है नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा करना है जिससे मीडिया के अंदर बने रहे, प्रेस के अंदर बने रहे, उसमें महारत हासिल उस हिसाब से कर रहे हैं। बिल्कुल 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 सही बात। गदाली साहब आप सुन रहे होंगे जगदीश मुखी साहब को, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी कहा कि मनीष जी का वक्तव्य आ चुका है, एलजी साहब ने जो कुछ ऑर्डर पास किया है वो ज्यादा स्पीडी कामों की तरफ उनका नहीं साहब ये कह रहे हैं कि आपने जानबूझ करके ऐसा खड़ा किया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी को कानून की जानकारी नहीं हो, केवल मीडिया अटेंशन के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। नहीं नहीं, मीडिया तो खुद अटेंशन ले रहा है, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने आरोप लगाया है कि आपके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है, आपके पास काम करने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए आप केवल विवादों में रहना चाहते हैं और किसी भी तरीके से मीडिया की सुर्खियों में रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेप्स उठाए हैं। ऐसा नहीं है, देखिए हमने ये कहा कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहे तो वो स्टेट गवर्नमेंट को
सुचारू रूप से चलने में बाधाएं खड़ी कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं का अधिकार क्षेत्र है और इसीलिए आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनने के बाद नहीं, यहाँ तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहले तो आपको कोई निर्देश दिया नहीं, पहले तो चिट्ठी जारी आपकी तरफ से, पहले तो चिट्ठी जो है वो तो केजरीवाल जी की तरफ से जारी किया गया। निर्देश जो है अधिकारियों को पहले मुख्यमंत्री की तरफ से आए थे, उसके बाद उस निर्देश को रोकने के लिए, संविधान को लागू करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो है निर्देश जारी किया है। तो ये तो डिस्टर्ब करने की कोशिश सबसे पहले आपकी तरफ से हुई। नहीं देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जो आदेश पारित किया था वो इसलिए किया था कि ताकि ज्यादा स्पीडी काम हो सके। बिल्कुल, हम रॉय तपन भारती जी से जानना चाहेंगे। भारती जी, पहले भी जो आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि ये समय क्यों चुना है केजरीवाल, समय क्यों चुना है? बतौर पत्रकार मैं किसी पार्टी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। जैसा कि सुभाष कश्यप जी ने कहा, सरकार तो चलेगी तो संविधान के मुताबिक, और यह भी सच है कि अरविंद केजरीवाल जी संविधान को नहीं समझते हैं, इस पर हम यकीन नहीं करते हैं, और उनके पास वकीलों का पैनल है, उनके पास अफसरों की टोली है, उन्हें पता है कि जब यूनियन टेरिटरी है और जब जमीन और पुलिस का मामला उनके हवाले नहीं है, तो ऐसे मामलों में वो स्पीडी काम के नाम पर जो कह रहे हैं तो सीमा रेखा को कैसे लांघा जा सकता है? सबकी अपनी सीमाएं हैं, राष्ट्रपति के अपने दायित्व हैं, प्रधानमंत्री के अपने दायित्व हैं, मुख्यमंत्री के अपने दायित्व हैं। अब ये कहें कि नरेंद्र मोदी जी बहुत सारे फैसले नहीं कर रहे हैं, मैं ही करूंगा क्योंकि स्पीडी काम लाना है, तो ये तो संविधान को एक तरह से ब्रेक करना हुआ, तोड़ना हुआ, संवैधानिक व्यवस्था में खलल डालना हुआ। तो ये कुछ कुछ ऐसा लगता है कि शायद बीच बीच में मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए, या पता नहीं क्या कारण है, मैं नहीं कह सकता हूं। विपक्ष के नेता का तो कहना था कि मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा यदि रेगुलर मुखी साहब बने हुए हमारे साथ फोन लाइन पे, आप पूछ सकते हैं उनसे। हाँ नहीं, जगदीश मुखी जी लंबे अरसे तक मंत्री रहे हैं और उन्होंने भी कई ऐसे मौके आए हैं जिस उन्होंने ये हालात को देखे हैं कि एलजी के साथ जो टकराहट होती है, ये मेरा ख्याल है कि और सरकारों के भी टाइम में मुखी साहब हुआ है। शीला दीक्षित की भी टकराहट हुई थी एलजी के साथ, उसमें अंतिम फैसला एलजी के पक्ष में गया था। जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जी आपका कहना ठीक है, शीला जी के साथ भी हुआ, हम जब सत्ता में थे हमारे साथ भी हुआ। जी हाँ बिल्कुल, किंतु फैक्ट रिमेन्स द सेम कि दिल्ली इज इवन टुडे यूनियन टेरिटरी, और जो विधान के शब्द लिखे हुए हैं मैं रिपीट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, ये शब्द लिखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल साफ है, ये स्पष्ट है कि दिल्ली का बॉस एलजी है। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, किंतु उसका मतलब ये नहीं है कि कैबिनेट के पास पावर नहीं है, सारी पावर उनके पास है, किंतु रेस्ट्रिक्शन इतनी है, जो रिजर्व मैटर है वो तो इनके पास आएंगे नहीं, वो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वयं करेंगे, लैंड का है या लैंड ऑर्डर का है या सर्विसेज का है वो इनके पास आते हैं, किंतु सारे मामले ये कैबिनेट के अपने फैसले कर सकते हैं। फैसले करके जो मेजर डिसीजन होते हैं, जो कि एक प्लानिंग नहीं जिसे कहना चाहिए, एक अहम फैसले होते हैं, उनकी फाइनल अप्रूवल एलजी से लेना जरूरी होता है। जैसे इन्होंने एक मिनट वो लोकपाल बिल लाए, जी लोकपाल बिल इन्होंने पेश कर दिया विधानसभा के अंदर, पेश कर ही नहीं सकते क्योंकि लिखा हुआ है उसमें कोई अप्रूवल नहीं करने से पहले एलजी की अनुमति जरूरी है। जी बिल्कुल, तो ये कहेंगे इनके फितरत में है कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको तोड़ना है, जो प्रेजेंट सिस्टम है वो सारा खराब है, सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दो, एनआरकी इसी को कहते हैं, एनआरकिस्ट मैं इसलिए उनको कहता हूं, उन्होंने एनआरकी फैलाई है पूरे दिल्ली के अंदर, ये उसका प्रमाण है। वो कहते हैं जो कुछ है सब गलत है, मैं ये करूंगा वो ठीक है, इसी को एनआरकी कहते हैं। गजाली साहब जवाब दीजिए, आरोप लगाया जा रहा है आप पे। जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूं, आपकी पार्टी अराजक है ऐसा विपक्ष के नेता का कहना है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मुखी जी बात को कहीं से कहीं ले जा रहे हैं और अनारकी की बात कर रहे हैं,
जबकि आम आदमी पार्टी ने कभी ऐसी बात नहीं की जिससे कि दिल्ली की जनता का भला ना हो या दिल्ली के लोगों के हित में कोई बात ना हो। नहीं, आप पे आरोप गजाली साहब ये लगाया जा रहा है कि आप प्रक्रिया का पालन नहीं करते, जो संवैधानिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का आप पालन नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम तो प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, हमने कहा कि आगे नहीं। उन्होंने तो साफ तौर पे सबके सामने है, जब जन लोकपाल बिल आपने जो है बिना पहले अप्रूवल के आपने पेश कर दिया विधानसभा में, एलजी से आपने अप्रूवल पहले नहीं लिया था, जबकि साफ तौर पे लिखा हुआ है संविधान में कोई भी बिल जो कानून बनने के लिए जाएगा वो उसकी प्रक्रिया प्रारंभ भी होगी एलजी से, एलजी की अनुमति के बाद ही आप उसे ले जा सकते हैं। देखिए, उसकी 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 प्रति राज्यपाल साहब को भेजी गई थी। नहीं, भेजी गई थी कब? भेजी गई थी, आप देखिए, आप मामले को घुमाइए, भेजी गई थी कब? अब दूसरे राज्यों में तो है जो आप विधानसभा में पास कीजिए उसके बाद आप राज्यपाल के पास भेजिए, राष्ट्रपति के पास भेजिए, लेकिन दिल्ली में आप ऐसा नहीं कर सकते। दिल्ली में आपको प्रक्रिया का प्रारंभ जो है वो एलजी से ही होगा, आपने वो नहीं किया। नहीं, हमने तो पहले ही उनके पास भेजी थी विधानसभा में रखने से पहले। हाँ, अप्रूवल नहीं मिली थी ना, फिर भी आप विधानसभा में कैसे ले आए? जब आपको अप्रूवल नहीं मिली, उनकी हाथ में पावर थी, अप्रूवल के बाद आ सकता है बिल, तो आप ऐसे कैसे ले आए वहां पर? वो बिल ही अवैध था। जी, यही मैं कह रहा हूँ ना। बिल्कुल, एक बार भेजने की फॉर्मेलिटी कर दी है, फिर अपना अपने तरीके से पेश कर दिया। देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, सुनेंगे जी प्लीज? जी हाँ, बिल्कुल। मेरा ये कहना है, मैं पूरा सम्मान करता हूँ केजरीवाल जी का, किंतु जो उनकी फितरत में है, ना मैं संविधान को मानूंगा, ना मैं नियम को मानूंगा, ना अधिनियम को मानूंगा, ना परिपाटी को मानूंगा। ये जो है, इसके कारण एनार्की पैदा होती है। कि ऐसा कोई भी अरविंद जी ने कभी ऐसा किया हो? शुरू से आगे तो यही किया उन्होंने, हर मुद्दे पर यही किया उन्होंने। जब आप मुख्यमंत्री होकर के सड़क पर जाकर के सो रहे हैं, वो एनार्की नहीं तो और क्या है? मुख्यमंत्री होकर के आप कह रहे हैं कि 26 जनवरी जो है जश्न है, तीन मुख्यमंत्री जो है वो धरना दे चुके हैं। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप तीन मुख्यमंत्री धरना दे चुके हैं। रिपब्लिक डे को, दिन रिपब्लिक डे को ये आप कहते हैं, चंद लोगों के एंटरटेनमेंट का तरीका है ये? यानी इस तरह का आप अपमान करते हैं देश के संविधान का और देश के रिपब्लिक डे के ऊपर भी आप ऐसा करते हैं, ये एनआरसी नहीं तो और क्या है? जवाब दीजिए गजाली साहब। अपमानजनक कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया ना हमारे नेताओं ने, ना अरविंद केजरीवाल जी ने, बल्कि हमने संविधान और संविधान के अकॉर्डिंग ही चलने का फैसला किया है। विधान के अनुसार चलते तो आपकी पार्टी उस समय सत्ता में रहती, छोड़ के नहीं भागे होते आप। आपने सारे विधान को तोड़ करके, संविधान की अवहेलना करके, नियमों का उल्लंघन करके, परिपाटी को तोड़ करके आप शासन चलाना चाहते हैं, वो ठीक नहीं है, हम उसे अप्रूवल नहीं दे सकते। नहीं, हम कहां कोई चीज तोड़ने की बात कर रहे हैं, हमने तो कहा कि एलजी साहब के इस आदेश का सम्मान है जो उन्होंने दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि काम स्पीडी हो, बस इतनी सी बात है। नहीं, आदेश आदेश का पालन तो आपको मजबूरी है, आपको करना ही है। मुकेश जी, लगता है कि ये संवैधानिक संकट आगे बढ़ेगा तो सेंटर को इंटरफेरेंस करना पड़ सकता है, दखल देना पड़ सकता है, क्योंकि बार बार यदि दिल्ली की व्यवस्था में व्यवधान पैदा होगा तो मुझे लगता है कि मजबूरन अभी शायद धैर्य पूर्वक, चूंकि इलेक्टेड सरकार है, अभी अभी जनता ने चुना है, शायद संयम का परिचय दे रही है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा दखल अंदाजी होगी तो शायद केंद्र सरकार को दखल देना पड़ सकता है, क्योंकि आखिरकार भुगतना तो जनता को पड़ेगा ना, दिल्ली को भुगतना पड़ेगा इसके लिए। बिल्कुल। तो मुकेश साहब, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले सुनते हैं कांग्रेस के जो नेता हैं उसकी बाइट, जेपी अग्रवाल साहब ने क्या कहा है, उनको भी सुन लेते हैं। नजीब जंग और अरविंद केजरीवाल के टकराव पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की जेपी अग्रवाल हैं। अग्रवाल जी, जिस तरह से लगातार जो टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, देखने को इसलिए मिल रही है कि जानबूझ के ये पैदा कर रहे हैं उसको। इनको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है, सरकार कभी चलाई नहीं, सरकार में कभी रहे नहीं, एक माहौल बिगाड़ के ये सरकार में आए हैं। अब जो हमारा लोकतंत्र है उसमें दो संवैधानिक पद हैं,
एक कहीं गवर्नर साहब हैं, हमारे यहाँ उपराज्यपाल साहब हैं और मुख्यमंत्री होते हैं, तो इनमें बढ़िया तालमेल होना चाहिए। जो उपराज्यपाल साहब हैं वो प्रतिनिधि हैं राष्ट्रपति के, और होम मिनिस्ट्री से उनको डायरेक्शन मिलती है या उनसे सलाह मशवरा करते हैं, उसके बाद फैसले करते हैं। और ये सिस्टम है कि फाइलें उनके थ्रू जाएंगी, फाइनली साइन उनके भी होंगे। जो पार्लियामेंट भी बिल पास करती है वो भी आखिरकार राष्ट्रपति जी के पास जाते हैं, वो उसको साइन करते हैं, और अगर उनको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए वो वापस भी भेजते हैं। तो इसमें इनको क्या एतराज है? क्यों, डिक्टेटर थोड़ी है ये, कोई हिटलर शाही थोड़ी है दिल्ली में। लोकतंत्र में जो संवैधानिक पद है उनका पूरा सम्मान होना चाहिए। इस तरह की टकराव की स्थिति पहले भी बन चुकी है, पहले भी फाइलों के मामले में और दूसरे मामलों में नजीब जंग टोक चुके हैं अरविंद केजरीवाल को, बावजूद उसके अगर मुख्यमंत्री दफ्तर में इस तरह के आदेश दिए जाते हैं तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, किसी एक मुद्दे पे विचार मतभेद हो सकते हैं, हमारे समय में भी हुए। जो हमारी सरकार थी वो कुछ सोचती थी, कई बार उपराज्यपाल साहब उससे सहमत नहीं होते थे। ये टकराव लाजमी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन ये आदेश करना कि कोई भी फाइल उपराज्यपाल साहब के पास नहीं जाएगी, मुझे लगता है ये पद की गरिमा को नहीं रखा इन्होंने, और ये बहुत ही स्तर से गिरा हुआ बयान है। एक पैसे का काम का कहीं इजाफा नहीं है, कोई IQ लेवल नहीं है। तो उस जब है नहीं आपको सिस्टम, आपके पास है नहीं, तो आपने सोचा है टकराव पैदा करके धूल उड़ा दो, बस और कुछ नहीं। तो साफ है कि कामकाज के मामले में तो दिल्ली ने कुछ भी काम किया नहीं, लेकिन इस तरह की टकराव की स्थितियां लगातार देखने को मिल रही हैं और जिसका नतीजा जनता भुगत रही है। इस बीच में हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं इस पूरे मामले पर अपनी राय रखने के लिए। जी बताएं। नोएडा से, और ये जो फरमान केजरीवाल ने सुनाया है कि ये जो भी फाइलें हैं वो LG से होके नहीं जाएंगी, तो ये एक सियासत लग रही है। अगर अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल से सियासत कर रहे हैं तो ये गलत है, उनको जनता के लिए सोचना चाहिए। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को जो ये फरमान है LG के खिलाफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी जंग ऑलरेडी पहले से चल रही है, तो ये जनता का भला सोचना चाहिए, ना कि सियासत करनी चाहिए। तो आपको बता दें ये जनता की राय थी, और आपको बता दें कि हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे जो इस समय आप देख रहे हैं व्हाट्सएप के नंबर है, आप उससे भी अपनी राय हम तक भेज सकते हैं। इसके अलावा vm@sadhna.com पर भी आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। हम अपनी राय को इस प्रोग्राम में जिस तरीके से रखेंगे आप सीधे इसमें भागीदारी आपकी हो सकती है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रॉय तपन भारती जी, आप कुछ कह रहे थे जो जिस तरीके से BJP कह रही थी कि ये जानबूझ करके किया जा रहा है, केवल पब्लिक और मीडिया का अटेंशन अपने आप अपनी तरफ करने के लिए, और ये केजरीवाल की फितरत है, हमेशा वो मीडिया को अपनी तरफ किसी न किसी तरीके से खींच ही लेते हैं, क्या आपको लगता है टाइमिंग का चुनाव सही में इसीलिए किया गया है? नहीं, देखिए आने वाले समय में बिहार के साथ साथ पंजाब में भी चुनाव होना है मुकेश जी। बिल्कुल, शायद ये टकराव करने से जो अपनी स्थिति को कि मुझे इस केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है, भाजपा सरकार व्यवधान डाल रही है, तो ये मैसेज पंजाब तक भी पहुंचाना है, क्योंकि पंजाब में इनको बहुत अच्छी सफलता मिली थी, उम्मीद काफी ज्यादा है पंजाब से, अब पंजाब से इनको उम्मीदें भी बहुत हैं। बिल्कुल, तो एक तो मुझे ये कारण लगता है। दूसरा कारण है कि जितने वायदे मैं विश्लेषक के नाते जो अपनी जो दिल की बातें बता रहा हूँ, कितने वायदे किए हैं, वाईफाई का वायदा है और बहुत सारे इतने वायदे हैं कि उसे पूरा करने में ही इनको इतना, स्कूल भी बहुत बड़ी संख्या में इनको खोलने हैं, तो ये इन वायदों को पूरा करने में विलंब हो रहा है। जनता की ओर से कोई सवाल ना आवे, कोई किसी तरह का प्रश्न ना हो, तो कुछ नई नई बातें आ रही, कभी मीडिया से भिड़ंत की बात आ रही है, जनता के बीच में जाए तो ये कह सके कि भाई अभी मीडिया के ट्रायल की भी बात आम आदमी पार्टी ने शुरू की है। बिल्कुल, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि कोई पार्टी मीडिया का ट्रायल करेगी, देखना है कि उस मामले में आम आदमी पार्टी कितनी सफल होती है। चलिए उनकी शिकायत है मीडिया से, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि मीडिया ने ही इन्हें प्रोजेक्ट किया। रॉय तपन भारती जी, आपसे इस मुद्दे पे भी बात करेंगे। अभी हमारा आज का मुद्दा अलग है। हमारे साथ नसीब सिंह जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो जुड़ गए हैं हमारे साथ। नसीब सिंह, स्वागत है आपका वंदे मातरम में। धन्यवाद जनाब। जिस तरीके से सर पूरे मामले को आप देख रहे होंगे, ये कोई नया मामला नहीं है, जब LG और CM आमने सामने हैं, आपको क्या लगता है? कानून की जानकारी दोनों को है, फिर भी ये मामले बार बार आ रहे हैं, क्या सिर्फ अटेंशन सीकर की वजह से, अटेंशन को अपनी तरफ खींचने के लिए अरविंद केजरीवाल ये कर रहे हैं, या कोई और भी मामला है?
देखिए बिल्कुल यही मामला है, इनको सिर्फ न्यूज में बने रहने के लिए कोई ना कोई ऐसी बात कहनी जरूरी हो जाती है कि जिससे ये लोग सिर्फ मीडिया में बने रहे। पहले मीडिया ट्रायल लिया किया इन्होंने कि मीडिया को बंद कर दिया कि सेक्रेटरिएट में नहीं घुसेंगे। मीडिया पे जितने ब्लेम किए गए कि ये तो पैसे लेके काम करते हैं, अब ये बोला जा रहा था बीच में, अभी सुनने में आया कि हम एक ऐसा चैनल या ऐसी न्यूज रिपोर्टिंग शुरू करेंगे जो निष्पक्ष हो, जो आम आदमी को ही छापेगी सिर्फ और किसी को नहीं देखेगी। तो इस तरह की जो व्यवहारिक मसले नहीं है इन लोगों के, ये तो कहना चाहिए कि डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं। और जो संवैधानिक दायरे हैं आप भूले नहीं होंगे, तो मैं समझता हूं कि इन्होंने 26 जनवरी को भी बड़े लोगों का एक खेल का अड्डा बता दिया था, ये दतियानूसी अड्डे हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल नसीर साहब, हमारे साथ मुजफ्फर हुसैन गजाली साहब भी हैं, आपके नेता भी, वो जवाब देंगे आपकी इस बात का। गजाली साहब बताएं, बीजेपी के बाद कांग्रेस भी वही आरोप लगा रही है आप पे। देखिए ऐसा है कि लीक से हटकर के 65 सालों में इन्होंने कुछ किया नहीं है, और इनके मैं इनको याद दिला दूं कि 21 ऐसे कानून हैं जो शीला दीक्षित के जमाने में बने और वो एलजी के दफ्तर में पड़े रहे, और शीला दीक्षित ने बाजाबता तौर पर एलजी के साथ में टकल हुई और उन्होंने यहां तक आमने सामने आ गए कि इंटरवीन करना पड़ा इनके हाईकमान को उस मामले में लेकर के। तो ये लीक से हट करके जब हम बात करते हैं तो लोगों को अटपटी लगती है बातें, जबकि हम वही बात कह रहे हैं जो कानून के दायरे में है, और हम कोई ऐसी बात नहीं कहते कि जो संविधान की नहीं। तो आखिर आखिर किस कानून में लिखा हुआ है आप जरा बताएं हमें, हमारे दर्शकों को, कि आपके मुख्यमंत्री ने जो अपने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि कोई भी फाइल एलजी के पास जाने से पहले जो है मुख्यमंत्री के पास भेजी जाए, ये कौन से कानून में लिखा हुआ है, कौन सा एक्ट है? उसमें सिर्फ एक ही मकसद था कि जो अफसर हैं वो काम ना कर। नहीं, आपके मकसद से काम नहीं चलेगा ना, आपको आपको कानून के हिसाब से काम करना है। की बात थी के कान नहीं, गजाली साहब, गजाली साहब, काम कानून के हिसाब से होना चाहिए ना गजाली साहब, काम तो कानून के हिसाब से होना चाहिए। तो आप बिल्कुल ठीक बात है, हम इसमें कहीं भी वो नहीं कर रहे कि कानून के तौर पे नहीं होना। नहीं, आप जो कह रहे हैं जो काम जल्दी से हो, आसानी हो, और एलजी पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं हो, ये तो एलजी ने तो आपको कहा नहीं। हाँ बिल्कुल नसीब जी बताइए, ये लोग कानून दिख रहे हैं इन लोगों को, सबकी समीक्षा कर लेना, दिल्ली की सरकार के जितने भी कानून है उनको सिंप्लीफाई कर दे तो ये भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा और इनका मकसद भी हल हो जाएगा। ये तो एक क्रांति लाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार के लिए हमने एक लाइन खोल दी है और 3 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। सिंप्लीफाई भ्रष्टाचार की बात मत कीजिए। देखिए जो आप भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं वो तो आप ना करें तो अच्छा है, क्योंकि वो बात निकलेगी तो कहाँ तक जाएगी। अरे गजली साहब आप ये बात सुनिए ना, आप पूरे पूरे के पूरे नियम और कायदे कानून को विधानसभा में लाकर सिंप्लीफाई कर दें तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर एक जितने भी कानून है उनको सबको सिंप्लीफाई करो। जिस समय आएगा, जिस चीज का समय आएगा उस समय पर वो काम होंगे, बगैर समय के कोई काम नहीं होता है। अच्छा गजाली साहब, एक बात का जवाब दीजिए, जब ये मामला इतना बढ़ गया है और आपके जो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने भी कहा है कि फसल आगे नहीं बढ़ेगा, तो क्या मुख्यमंत्री को ने जो आदेश दिया था वो आदेश वापस करेंगे? जैसा कि एलजी ने कहा कि मुख्यमंत्री अपना आदेश वापस लें, तो क्या अरविंद केजरीवाल फिर से अपना आदेश वापस लेने के लिए कोई अधिसूचना जारी करेंगे? देखिए अगर कोई भी टसल होता है, हम नहीं चाहते कि एलजी के साथ कोई टसल हो, जो उसके लिए प्रक्रिया होगी वो अपनाई जाएगी। नहीं, प्रक्रिया बिल्कुल, फिर आप तो घुमा रहे हैं बात को, प्रक्रिया तो बिल्कुल है, जो टेसल है वो स्टार्ट हुआ था आपके उस निर्देश से, आपके मुख्यमंत्री ने जो अपने अधिकारियों को निर्देश दिए थे उसके बाद से ये शुरू हुआ। अब आप जब हमारे प्रोग्राम में ये कह रहे हैं कि वापस हम लेंगे इसको और हम इस टेसल को खत्म करना चाहते हैं, तो खत्म करने का तो एक ही रास्ता है। अपने अल्फाज मेरे मुंह में मत डालिए, मैंने ये कहा कि अरविंद जी और पार्टी कोई भी टेसल नहीं लेना चाहती उपराज्यपाल जी के साथ, और कोई भी इस तरह की चीज हम नहीं करना चाहते जो असंवैधानिक हो, लिहाजा उसके लिए जो नहीं, असंवैधानिक तो आपने काम कर दिया, जो निर्देश आपने दिए वो कहां से संवैधानिक है?
हमारे साथ फोन लाइन पे एक और दर्शक जुड़ गए, उनसे भी बात करेंगे, वो भी अपनी राय रखना चाह रहे हैं। जी बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप। मैं राज मल्होत्रा पटियाला हाउस से बोल रहा हूँ जी। मुझे मैम ये कहना है कि जो केजरीवाल जी हैं अपना काम बहुत अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन जो दिल्ली के एलजी साहब अजीत जंग जी वो किसी ना किसी बहाने उनसे काम में अड़ंगा डालने की कोशिश करते रहते हैं। दर्शक है जो कह रहे हैं कि केजरीवाल अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं और लोग अड़ंगा डाल रहे हैं, क्या कहेंगे राय तपन जी। नसीब जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। नसीब जी बताएं, जिस तरीके से जनता कह रही है कि काम में खलल डालने की कोशिश की जा रही है कानून की, ये दिल्ली का दिल्ली केंद्र शासित राज्य होने के नाते एडमिनिस्ट्रेटर जो है इसका शासक जो है वो राजनीति के नाम पर चलता है, और जो भी दिल्ली सरकार कोई अपनी मंशा जाहिर करती है तो वो एलजी तक जाना जरूरी होता है। ऐसा कुछ नहीं है, फिर एलजी का मतलब खत्म हो जाता है, सिर्फ ये शपथ दिलाने के लिए एलजी नहीं होता है। इस दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटर जो है शासक जो है वो एलजी माना जाता है। बिल्कुल 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 सही बात, सहमत हूं मैं आपसे। और लगती है इन लोगों ने पहले भी जब वो जन लोकपाल बिल की बात की थी उनसे अप्रूवल नहीं ली थी, इसीलिए सारा का सारा झमेला हुआ था। ये दोबारा जो इलेक्शन जन लोकपाल बिल पर हुआ था कि जो भंग कर दी गई और इस्तीफे दे दिए गए, अब वो जन लोकपाल बिल का पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पर है, कहाँ गया वो जन लोकपाल। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हम जाएंगे गजाली साहब से ये हम जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम सुन लेते हैं बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय की ने क्या कहा है हमारे साथ, उनकी बाइक भी सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। एक्चुअली ये अरविंद केजरीवाल जी भी इतने नासमझ नहीं है, उनको भी पता है कि संविधान क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। ये उनकी जानबूझ के बदमाशी है, ये जानबूझ के वो शरारत करते हैं, कर रहे हैं इस समय। ऐसे लगता है कि या तो वो दोबारा भागने के मूड में है, मुझे लगता है इसी को एक संविधान को एक बड़ा मुद्दा बना के वो दोबारा भागना चाहते हैं। बिल्कुल गजाली साहब, आप पे आरोप है जिस जन लोकपाल बिल के लिए आपने इतनी लड़ाई लड़ी, पहली बार 49 दिन के सरकार आपकी थी और आपने बिल पेश करने के दौरान ही आपके मुख्यमंत्री ने कुर्सी छोड़ दी, दूसरी बार फिर एलजी से टकराहट हुई थी आपकी इसी बात को लेकर के, और वो मामला भी काफी बड़ा था, आपने एलजी के पास भेजा जरूर था लेकिन उनके अप्रूवल से पहले ही जो है आपने विधानसभा में उसे पेश कर दिया। अभी क्या स्थिति है उस बिल की, लोग जानना चाह रहे हैं। जल लोकपाल बिल समय पर आएगा जब उसका समय होगा। आखिर कब आएगा समय, आपने कहा था कि सरकार बनने के बाद सबसे पहले जल लोकपाल बिल ही आएगा, वादा किया था, उसके लिए एक हेल्पलाइन हमने जारी कर दी है पार्टी का। और उस हेल्पलाइन की वजह से 3 लोग पकड़े जा चुके। नहीं नहीं वो ठीक है, आप उस पे हम इनकार नहीं कर रहे, पकड़े जा चुके अच्छी बात है, करप्शन के खिलाफ आप काम कर रहे हैं ये भी ठीक बात है, आपने हेल्पलाइन जारी कर दिया ये भी बहुत अच्छी बात है। दर्शक ये जानना चाह रहे हैं, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जो आपने जन लोकपाल बिल लाने की बात करी थी उसकी स्थिति अभी क्या है। देखिए अरविंद ने अपनी पहली स्पीच में बात कही थी कि जनता ने जो मैंडेट दिया है वो 5 सालों के लिए दिया है, तो क्या 5 साल के बाद लाएंगे आप, वादे हमने तो 5 साल के बाद जन लोकपाल बिल लाएंगे आप करके दिखाएंगे। अब आप चाहें कि एक दिन में सब कुछ हो जाए, नहीं एक दिन नहीं 80 दिन से ज्यादा हो गए, हम करने वाले गजाली साहब 80 दिन से ज्यादा हो गए, होगा वो 14 फरवरी को आपने शपथ लिया था तो होगा ना, वो उसका समय आएगा वो काम। नहीं आपने कहा था सबसे पहले 1 महीने के भीतर जन लोकपाल बिल आ जाएगा, मुझे लगता है तेज गति से काम करने का जो आपने जो कहा है कि केजरीवाल सरकार तेज गति से काम करना चाहती है, तो जन लोकपाल में भी तेज गति दिखा सकती है कि भैया बिल हमारा तैयार है, तेज गति है हमारी और गति रुकी नहीं है, आप देख रहे होंगे तपन साहब इसमें भी यही हुआ है ना, प्रक्रिया का पालन इसमें भी नहीं किया गया है, विधानसभा में लाया गया और अभी तक जो है नहीं माना जाए, बिल्कुल अप्रूवल ही नहीं अभी उसके, तो उसमें आगे मामला और भी फंसेगा, कब आएगा भगवान ही बता सकते हैं कि कब ये जन लोकपाल भी ये लाएंगे और कब ये पास होगा। जिस तरह से ये बिल तैयार किया हुआ है वो तब आएगा जब अगले इलेक्शन आ जाएंगे, क्योंकि उसी पे तो इस्तीफा देंगे दोबारा से, फिर दोबारा से उसी की बात करेंगे, फिर बोलेंगे कि ये अभी हमें लाने नहीं दिया जा रहा, हमें बनाने नहीं दिया जा रहा है, एक बार मौका और दो हमें। बिल्कुल नसीब जी कह रहे हैं, नसीब जी डर लग रहा है क्या, लगता है जनता फिर अगली बार मौका दे देगी इन्हें, ये उसी क्योंकि ये वो बिल जिस तरह का लाएंगे वो ना तो केंद्र सरकार मानेगी उस बिल को, क्योंकि उसमें इस तरह के संवैधानिक दायरे से बाहर होगा वो,
उसको लाने की कोशिश की जाएगी, ना एलजी अप्रूवल देंगे और ये फिर रिजाइन की बात करेंगे तो वो रिजाइन की बात आएगी तो इसके मतलब बढ़िया तो ये रहेगा कि उसे लास्ट में लाया जाए। अगर नजीब जी, नजीब जी जब समय आएगा, नजीब सिंह जी समय आएगा आप देख लीजिएगा, आप पहले से वो बात मत कहिए, जो नदी नहीं बनी उसका पुल मत बनाइए। ये सबसे पहले जनलोकपाल में बनी है, जब समय आएगा आप देख लेंगे तो पास भी होगा और लागू भी होगा। संविधान का पता तो तभी चलेगा ना कि संवैधानिक तौर पर है कि नहीं है, आप संविधान को मानने वाले लोग हैं कि नहीं है, उसे लाइए सबसे पहले, तब पता लगेगा कि हाँ संविधानिक तौर तरीके में है कि नहीं है वो जनलोकपाल बिल। आप उसे पहले क्यों नहीं लाते? मुजफ्फरपुर डेडलाइन बता सकते हैं कि कितने महीने में जन लोकपाल बिल आप ला सकते हैं? सिर्फ इतना जनता को बता दीजिए। मैं अगर भ्रष्टाचार का कोई खात्मा करेगा तो कितने महीने में, कितने दिनों में आप जनपाल लोकपाल बिल ला देंगे, उसको कानून के रूप में अमली जाना पहना देंगे? ये 5 साल बाद आएगा। क्या आप जो कह रहे हैं कि जन लोकपाल जो है भ्रष्टाचार का खात्मा करेगा, जब ये बात हम कह रहे थे तब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं मान रही थी ये बात? हम तो अब मान रहे हैं, आपकी जनता ने मान लिया, हम मान रहे थे। नहीं, क्यों नहीं मान रहे थे आप लोग? अब आज जब आप सत्ता से बाहर कर दिए गए, आपको दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली, तब आपको लोकपाल की याद आ रही है? आपको तो मिल गई ना, अब आप करिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ आप लोगों को रुकना चाहेंगे, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए, वो भी अपनी राय रखना चाह रहे हैं। जी बताए, क्या कह रहे हैं आप? हेलो। हाँ बताएं। हाँ जी, मैं राहुल बोल रहा हूँ बरेली से, मुझे अपनी राय रखनी थी। जी बताएं। मेरी ये राय है कि जो संविधान के तरीके से जहाँ फाइलें जानी चाहिए आपके वहीं जाने चाहिए, इससे जनता की कोई भी किसी भी तरीके का काम नहीं रुकना चाहिए, चाहे वो अगर फाइलें चाहे वो सीएम दफ्तर जाए या फिर उप राज्यपाल के पास जाए। बिल्कुल, काम नहीं रुकना चाहिए, लेकिन शायद प्रक्रिया का भी पालन करना होता है कि कोई भी चीज अगर कोई भी काम अगर होता है सरकार में तो प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, कानून एक पहले से बनाया हुआ उसको जो फॉलो है करना काफी जरूरी होता है। राय तपन जी हमारे साथ बने हुए हैं। राय तपन जी, क्या आपको लगता है जिस तरह दर्शकों की प्रतिक्रिया है और शायद आपको इस बात का कहीं ना कहीं इस बात का भी अंदाजा लग रहा है कि केजरीवाल शायद जो उन्हें प्रचंड बहुमत दिल्ली की जनता ने दिया है शायद इसी को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता का हमारा साथ है तो हम कुछ भी कर ले, चाहे वो कानून का उल्लंघन हो, चाहे वो केजरीवाल लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जंग हो, और चाहे वो जिस तरीके से अधिसूचनाएं जारी करके एक कंट्रोवर्सी खड़ा कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि जो जनता ने जो उन्हें प्रचंड बहुमत दिया है उसके बूते ये सारी चीजें ये करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में तो देखा गया है कि यदि कोई विवाद कर शेगुफा छेड़ के लंबे समय तक शासन यहां नहीं चल सकता है, काम का तो रिजल्ट दिखाना ही पड़ेगा। दूसरी बात, एक मैं दर्शकों को बता दूं कि मुख्यमंत्री के मातहत पुलिस कमिश्नर नहीं है, लेकिन वो चाहें कि किसी विषय पर तलब करके बात करना, पिछली बार जब सत्ता संभाला था तो पुलिस कमिश्नर ने जाकर उनसे मुलाकात की थी और तमाम जो बातें उनको बताई, उस डायरेक्शन जो दिया पुलिस कमिश्नर ने मंजूर किया कि हम मुख्यमंत्री की इन बातों को मानेंगे और इसको अमल में लाने का पूरे हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है। दूसरी बात है कि जमीन के मामले में दखल देने की, जिस पर केंद्र सरकार का पूरा अधिकार है, तो मुकेश जी DDA जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है और LG उसके हेड होते हैं, तो जमीन के मामले में टकराहट होगी। मान लीजिए इंडिया गेट के पास की कोई जमीन है और केंद्र सरकार वहां कोई वार मेमोरियल बनाना चाहती है या रक्षा मंत्रालय का दफ्तर बनाना चाहती है, दिल्ली सरकार कहती नहीं हम तो यहां पर कुछ और बनाएंगे, ऐसे में टकराहट बनेगी तो न केंद्र सरकार काम कर पाएगी न दिल्ली सरकार काम कर पाएगी। तो एक विभाजन रेखा में संविधान में स्पष्ट किया गया है, यूनियन टेरिटोरी की एक सीमा है, दिल्ली ही यूनियन टेरिटोरी नहीं है, चंडीगढ़ भी है, कुछ और भी है, अंडमान निकोबार भी है। तो यहाँ सिर्फ है कि एक एडिशनल है कि केंद्र शासित होते हुए भी एक मुख्यमंत्री का बिल्कुल विधानसभा है, ये तो रखा गया है। बिल्कुल, अंतर केवल इतना ही है कि यहाँ विधानसभा है, बाकी जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ विधानसभा नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, वो भी अपनी राय रखना चाह रहे हैं। जी बताए। हेलो, मैं अंजलि भंडारी बोल रही हूँ दिल्ली से, मैं अपनी राय रखना चाहती हूँ। अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली के अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से नजीम जंग को लेकर ये जो पूरा का पूरा विवाद खड़ा हुआ है, हालांकि ये गलत है, लेकिन
जो भी बात सामने आई है कि जो फाइलें हैं वो नजीब जंग तक नहीं पहुंच पा रही है, कहीं ना कहीं एक गलत है। लेकिन जो सियासत है वो नहीं होनी चाहिए, जो काम है जिनका जो काम है उन्हें वो करें, तो शायद जो दिल्ली की जनता है उसे फिर एंड में आकर कुछ भुगतना ना पड़े। आखिरकार सबको ही मिलकर, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबको ही मिलकर काम करना है, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। बिल्कुल, तो जनता भी ये मान रही है कि काम होना चाहिए, जनता ऐसा ना हो कि काम के झगड़े में जो है जनता को भुगतना पड़े। हमारे साथ हुसैन गजाली साहब, मुजफ्फर हुसैन गजाली साहब हैं। गजाली साहब बताएं, जनता भी कह रही है कि भुगतना ना पड़े, आखिर उनको, उन्होंने वोट दिया है आपको, उन्होंने सरकार बनवाई है आपकी, और जनता इस बात को लेकर भी चिंतित है कि जिस तरीके से जंग छिड़ी हुई है कहीं ऐसा ना हो कि काम अटक जाए बीच में जनता का। देखिए, जो भी व्यवस्था बनती है, जो भी नियम कानून बनते हैं, वो जनता की और आम आदमी की भलाई के लिए बनते हैं, और आम आदमी की जिसमें भलाई है, ऐसा नहीं है कि वो कानून एक बार बन गया वो चेंज नहीं हो सकता है। की पार्टी के जो योगेंद्र यादव जी और दूसरे लोग जो इनसे अपनी भिन्नता को लेकर जो इनकी लड़ाई चल रही है, वो साफ झलकता है कि ये जिस तरह से दादागिरी करके शासन चलाना चाहते हैं या पार्टी चलाना चाहते हैं, और ये बहुत दिनों की बात नहीं है। आप याद रखिएगा, आपका चैनल भी यही है और मेरी रिकॉर्डिंग रखिए, बिल्कुल इस तरह के व्यवहार से शासन नहीं होता है। वाजपेयी जी की सरकार थी, शीला दीक्षित ने 5 साल उनकी सरकार के साथ शासन किया था। जो कायदे कानून है वो सबके लिए है, किसी पार्टी के लिए नहीं होते हैं कायदे कानून सरकार चलाने के लिए। शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, दादागिरी जैसी बात कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देती। आप सीनियर लीडर हैं, आप इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल ना करें। कृपया, शब्दावली का इस्तेमाल आपके नेता कर रहे हैं, हम कोई इस तरह की बात नहीं करते हैं। हमारे पास तो कुछ नहीं है, ना सिक्योरिटी है ना कुछ है, हम तो आम आदमी जनता है। हम तो जिस तरह से साला साला करके उन्होंने, और आप इस तरह की बात कह करके, अपने आप इस तरह की बात कह करके हमको शर्मिंदा कर रहे हैं। अपने लोगों, ये बात आपके मुझे अच्छी नहीं लगती है। नसीब जनाब, उन्होंने अपने लोगों को साला साला करके बोला कि उसके पीछे लात मार के बाहर निकाल दूंगा, बाहर निकाल देता मैं तो, बाहर निकाल देना चाहिए था। जिस तरह की शब्दावली का आपके मुख्यमंत्री लेवल का आदमी इस्तेमाल करता है, उसको उसको हमारे इंटरनल पार्टी का मैटर है। इंटरनल पार्टी का मैटर कैसे हो सकता है वो? बिल्कुल बिल्कुल, नसीब सिंह जी बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हैं। अभी हमारे पास समय की हमारे पास कमी है। जाने से पहले हम अपने जितने भी मेहमान हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े थे उन सभी को धन्यवाद, लेकिन जाइएगा नहीं, देखते रहिए वंदे मातरम, क्योंकि अभी आपको छोड़े जाते हैं पब्लिक पंच के साथ। एक दरवाजे पर एक घंटी लगी हुई थी जिस पर लिखा था, डॉक्टर के लिए घंटी बजाइए। आधी रात को एक शराबी शराब में टल्ली होकर उधर से निकला, उसने घंटी देखी, फिर ऊपर लिखी लाइन पढ़ी और फिर घंटी बजाने लगा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और आंखें मलता हुआ एक आदमी बाहर निकला। शराबी ने पूछा, आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर ने कहा हाँ। शराबी ने कहा, यार ये घंटी आप खुद नहीं बजा सकते? अध्यापक ने बोला, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, उदाहरण के साथ इसे समझाओ। छात्र, सर राहुल बाबा 56 दिन की थाईलैंड यात्रा के बाद केदारनाथ में पूजा करने गए। अर्ज किया है, तुम मुझे तुम कहकर बुलाओ, ये आप बड़ा केजरीवाल सा लगता है। अनजानी राहें